बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइन मास्टर से बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे ये देखिए, मेरे पीछे बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं, यानी कि फ़ोटो बदल रही हैं। तो ऐसे काइन मास्टर से आपको मैं सिखाऊंगा कि काइन मास्टर से आप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर आपको सिखाता हूँ। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहीं पर हम सीखेंगे कि काइन मास्टर रहते हुए हम इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपने काइन मास्टर पर जाना है, काइन मास्टर को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरी वो वीडियो चल रही थी, तो यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यूट्यूब की वीडियो बनानी है, तो 16:9 पे आपने रख देना और फिर आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ से कोई फ़ोटो चूज कर लेनी है, यानी कि जो मैंने खींची हुई फ़ोटो है वो चूज़, कोई भी चूज़ यहाँ से कर लेता हूँ। यानी कि यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं फ़ोटो, ये नीचे है मेरे पास फ़ोटो, वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। ये इधर आ जाएगी, कहाँ रहेगी, ये मेरे पास फ़ोटो है, तो ये मैंने चूज़ कर ली। चूज़ करने के बाद आपने वो वीडियो लगानी है जो आप, वो वीडियो आपको यहाँ पर लगानी है जिसका आपने बैकग्राउंड चेंज करना है। तो आपने लेयर पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है, तो आपने यहाँ से वो वीडियो उठा लेनी है। जैसा कि मैं वीडियो उठा लेता हूँ, यहाँ से आपने जो वीडियो आपकी होगी वही आपने उठा लेनी है। ये मैं इसको थोड़े से वीडियो को लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ आगे वीडियो, क्योंकि आपको समझाने के लिए मेरे काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर हमने ज़्यादा की। तो यहाँ पर आपने वीडियो पर क्लिक करने के बाद हमने इधर जूम है मैजिक रिमूवर, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी देर लगेगी, तो ये देखें लाइन चल गई, तो ये अभी हो जाएगा। तो आपने काइन मास्टर विदाउट वाटर मार्क कहाँ से डाउनलोड करना है, इधर ही पहले ही आपको मैं फोटोज़ जो है ना दिखा दूंगा। आपने इसी यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहीं पर आपको मिल जाएगी विदाउट वाटर मार्क कहाँ से काइन मास्टर करें, ये लिखा होगा, तो वो आपने वीडियो लाजमी देख लेनी और बाकी की वीडियो भी देखनी है। चलिए इसका जैसे एंड पर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद ये देखिए, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। ये आपने जहाँ पर भी सेट करनी है सेट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, थोड़ी सी इसको बड़ी कर देता हूँ। बड़ी करने के बाद ये देखें यहाँ पर ठीक लग रही, तो ये देखें ये मुकम्मल फेस आ रहा है, इसमें कोई कटिंग वगैरह भी नहीं हुई। तो ऐसे ही आपने काइन मास्टर से बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। आई होप कि आपको वीडियो के समझ आ चुकी होगी। बैकग्राउंड चेंज करना आपको इस वीडियो के बाद आगे होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।